लोकसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सियासत तेज। पीएम बोले, विरोधियों की गाली देने के बाद ही मेरी जात का पता चला। विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। मायावती का पीएम मोदी पर आरोप, पहले अगड़ी जाति से आते थे लेकिन अपनी सरकार में खुद को पिछड़ी जाति में शामिल किया। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी ये जन्मजात पिछड़े वर्ग का है। पीएम मोदी की जाति को लेकर रामविलास पासवान का बयान, बोले वो अति पिछड़ी जाति में आते हैं। अमेठी और रायबरेली में राहुल की रैली, मोदी पर लगाया किसानों को धोखा देने का आरोप। नासिक एयरपोर्ट पर राहुल ने वहां के स्टाफ के साथ खिंचवाई तस्वीर, फिर दिल्ली के लिए हुए रवाना। सुरक्षा जांच में विवाद की वजह से फ्लाइट में देरी के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जा बैठे राहुल, उसके स्टाफ से बात की। बाराबंकी में प्रियंका के रोड शो का रूट प्रशासन ने अचानक बदला, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद दोबारा मिली इजाजत। कानपुर एयरपोर्ट पर राहुल और प्रियंका एक साथ आए नजर, काफी देर तक दोनों ने की बातें। ये मोदी से अक्षय कुमार के आम खाने वाले सवाल पर ओवैसी ने किया तंज, कहा उन्हें नमो टीवी का एंकर बना देना चाहिए। अरे आम मिला तो खाना पड़ता है उसको, ये बोल रहे आप काट के खाते या चूस के खाते, इसको आप नमो एंकर बना दो इस एक्टर को। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, जोड़ियां स्वर्ग में नहीं मोदी के डर से बनती हैं। महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान, कहा अगर धारा 370 से इतना एतराज है तो कश्मीर छोड़ दे भारत। महबूबा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा उन्हें हुर्रियत जैश या लश्कर में शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस नेता पीसी चाको का अलगाववादी के समर्थन में बयान, कहा साध्वी प्रज्ञा उम्मीदवार तो यासीन मलिक पर पाबंदी क्यों। साध्वी प्रज्ञा का भोपाल में रोड शो, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। आज तक से खास बातचीत में कांग्रेस से गठबंधन पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा राहुल की वजह से नहीं हो पाया दिल्ली में तालमेल। गौतम गंभीर पर आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, कहा उनकी पत्नी के पास 3-3 वोटर आईडी कार्ड्स। गौतम गंभीर की नई मुश्किल, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश। चुनाव आयोग पहुंची तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के रायगंज में ईवीएम पर चुनाव चिन्ह के नीचे लिखे बीजेपी के नाम को हटाने की मांग। टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने चुनाव आयोग को दिखाई तस्वीर, कहा इसके पीछे साजिश की आशंका। कांग्रेस ने भी की शिकायत, ईवीएम से बीजेपी का नाम हटाने या दूसरी पार्टियों का नाम भी जोड़ने की मांग की। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में लगा इल्जाम। मीटिंग में बीजेपी भी हुई शामिल, बोली निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी बूथों पर तैनात किए जाएं अर्धसैनिक बल। जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का राम मंदिर पर बयान, बोले जब राम की इच्छा होगी तब बन जाएगा। अब सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत की, नामांकन के दौरान खर्च किए पैसों को लेकर लिखी चिट्ठी। मुंबई में वोटिंग से पहले रुपए बांटते पकड़े गए दो लोग, अजीत पवार के बेटे और लोकसभा उम्मीदवार पार्थ पवार के नाम पर बांट रहे थे पैसे। बागपत के बड़ौत में एक परिवार के कुछ सदस्यों की पिटाई, आरोप के मुताबिक वोट नहीं देने पर आरएलडी समर्थकों ने किया हमला। दिल्ली में बीजेपी की रैली में आई कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, एक की मौत। अलवर में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही, रात भर जारी रही आग बुझाने की कोशिशें। नोएडा में शोरूम में तब्दील हुई होंडा सिटी कार, उसमें सवार दो लोगों ने कूदकर बचाई जान। आजमगढ़ में रंगे हाथों पकड़ा गया पॉकेट मार, लोगों ने जमकर धुनाई की। भीलवाड़ा में लून जमा करने के बाद भी नोटिस मिलते ही महिलाओं का फूटा गुस्सा, एजेंट की जमकर धुनाई। मोगा में 200 एकड़ में लगी गेहूं की फसल तबाह, आग बुझाने के लिए किसानों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। आजमगढ़ में शरारती तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, इलाके में तनाव बरकरार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, दो जवान शहीद। चंबा में खाई में गिरी बस, हादसे में कई यात्रियों की मौत, 8 शव निकाले गए। पठानकोट से डलहौजी जाते वक्त हुआ हादसा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे की जानकारी ली। आजमगढ़ में मिनी मॉल में लगी आग, एसी कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।